वो हमारा छोटा भाई सिराज मेहनत से पैसे लिया था, मालूम नहीं था हम लोगों कुछ भी नहीं, डरा धमका के डरा रहे थे थोड़े दिन पहले, इससे पहले केस रजिस्टर भी कराया था हमें, कंप्लेंट दिया था, उसके बाद नहीं आ रहे थे, उसको धोखे से लिया के मार दिए, कारखाने पे से उठा के लिया गया ऐसा। फातिमा नगर का लीडर है, मैं पार्टी वार्टी का नहीं, गली गलियों में उसके ऑटो में लिख गया, लिख जाके मारे गए थे। मोहसिन फर्नीचर कारखाने का नाम, कारखाने पे से लिया के मारे उसको नमाज के बाद। शिकायत दर्ज कराई गई, उन्होंने आए नहीं घर पे। पुलिस में क्या शिकायत दर्ज कराए थे? ऐसा घर पे आके सता रहे हैं वो तो, ना बोले अच्छी बात है बोले, उसका नहीं है हम लोग कोई भी डराए धमकाने कोई आई नहीं, 2 लाख रुपए दिए बाद आई नहीं हिसाब फाइनल से। क्या रहते जी बाबा, क्या करूं मैं अम्मा, ये लोग को जी बाबा मेरा किसी को ना था, ये कैसे तमाशे क्या भी नहीं हुआ जी भैया, कौन कौन की जबरदस्ती के पैसे दिए मेरे आदमी को, और कारोबार बड़ा है आदमी कब आगे देता, बल्कि सीधा था जी आदमी बहुत नेक था, इज्जत से देने के बजाय बाद में मिट्टी को मिट्टी मिट्टू में 1000 लगा के 2 लाख रुपए कर रहे थे, परसों में जाके बात करके गए थे, मैं दे तो 2 महीने में चिट्ठी डालो मैं दे तो तुम्हारे बोल के पैसे डायरी बताए थे, बताने के बाद भी अच्छी बात है बोल के बोले तो बड़ों से बात करा तो बोलता उतनी जरूरत नहीं है तू दे तो बोला ना बस है बोले, तो मैं भी बोली मेरे आदमी की नियत साफ है, रात दिन मेहनत कर रहा देता जी बाबा बाबा पढ़ती हूँ तुम्हारे, बोली जी भैया अच्छी बात है कुछ भी बात नहीं है बोल के गया। तीन बच्चे जी भैया, 3 महीने का थे जी, 70,000 लिए थे, 2 लाख रुपए करे, 1.5 लाख दे दिए थे, अभी 50 देना था। आज मम्मी मेरे को बहुत डरा रहा, कारखाने में काम नहीं करने दे रहा, मिशना धम लेके भाग गया कारखाने में के कुछ नहीं आट रहा है मेरे, फेल हो जा रहे, मम्मी कुछ तो करो, हम लोग अपनी पैसा नहीं, हम लोग भी गरीब आदमी है भैया, करके खाने वाले, हमारे मम्मी बोले सिराज तुम बच्चों को लेके इधर उधर नको भागो, तुम घर में ऐसा भागे तो गुस्सा पड़ता, तुम खर्चा लिए मृत्यु को मृत्यु लगा मेरे को नहीं बोले, मैं बुलाती उनको मैं बात करती हूँ, बल्कि बोले बुलाए उनको बात करे उनको ऐसा नको करो, ईसा भाई को बुलाए, मम्मी बात करे, हमारे पापा भी थे मैं भी थी, हमारी बहन घर में थी उसको नहीं मालूम सर का, ईसा भाई को बोले ईसा भाई चिट्ठी डालने लगाती उन्हें नहीं जा तो मैं देती हूँ जिंदगी बाकी रही तो उसको रोड पे खत्म करता हूँ, बोल के ईसा भाई हमारे सामने बोले ऐसा नको करे, छोटे 3 बच्चे है बोले उन्होंने मुँह के सामने बोले, मेरे पैसे वसूल हो जाते हैं, मेरी दिल में ख्वाहिश है मैं उसको गला काट देता हूँ जी, भाभी बोले मम्मी के सामने नको करो तुम ऐसा ऐसा नको करो, छोटे बच्चों की बदवा नको लियो, मैं देने लगाती हूँ थोड़े पैसे, उसका जेट दिया ना पूरे पैसे उसका बड़ा भाई, अभी थोड़े देने लगाती हूँ बोले तो 6 महीने का टाइम दियो देते, बोले अच्छी बात बोले चले गए, बस बाद में जब से अब तक कुछ कहानी नहीं है, उन्होंने काम कर रहे थे रात दिन, उन्होंने वो नहीं मालूम मेरे को, खाली ये बात उससे मालूम अम्मा अम्मा जी।